आज है 13 मार्च और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है जो चाइनीज बॉर्डर के किनारे गांव है हमारे अलग अलग स्टेट्स में, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में जो भी गांव हैं उनको डेवलप किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, और एक डार्क स्काई बनाया जाएगा, डार्क स्काई डेस्टिनेशन जो एस्ट्रोनॉमिकल पर्पज इंपॉर्टेंट होता है। डार्क स्काई डेस्टिनेशन एक्चुअली वो प्लेसेस हैं जहाँ पे रात में कोई हलचल नहीं होती है, ठीक है, और वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में कई सारी केव्स हैं, अजंता, एलोरा, कार्ला, भाजा, पांडव लेनी, ठीक है। तो ये इसमें से कई जैसे अजंता वगैरह हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। उसके बाद महाराष्ट्र में 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 7 कंजर्वेशन रिजर्व हैं और 6 नेशनल पार्क हैं। वो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, एक पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। उसके बाद गूगामल नेशनल पार्क, नवे गांव नजगीरा नेशनल पार्क। उसके बाद हैं संत कनक दास, ये 16वीं शताब्दी में पैदा हुए थे कर्नाटका में, ठीक है, 1509 के आसपास, और ये वैष्णव संप्रदाय से थे और इन्होंने कन्नड़ भाषा में काफ़ी काम किया है, मतलब कन्नड़ भाषा में कीर्तन और उगा भोग लिखा है, इवन कर्नाटिक म्यूजिक के लिए भी काफ़ी काम किया है। ये म्यूजिशियन भी थे, रिफॉर्मर भी थे, फिलोसफर भी थे, ठीक है, काफ़ी चीज़ों के लिए जाने जाते थे। उसके बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर खुल रहा हैदराबाद में। उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें मैटरनल मॉर्टेलिटी के बारे में बात की गई है। मैटरनल मॉर्टेलिटी होता है कि 1 लाख बर्थ पे कितनी महिलाओं की डेथ हुई है, ठीक है। ये सर्वे जो है वो 2017 से 19 के बीच का है और इसमें बताया गया है कि इंडिया में मतलब एवरेज 103 है, मतलब 1 लाख बर्थ पे 103 महिलाएं की मृत्यु होती है, और सबसे कम मतलब सबसे कम केरला में होती है, इनका एवरेज 30 है, ठीक है, और वो टॉप पे हैं। उसके बाद इंडिया जापान की एनुअल समिट दिल्ली में होगी और जो बुलेट ट्रेन इंडिया बना रहा है जापान की मदद से मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, उसको शिनकानसेन नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉस्मिक डॉन, कॉस्मिक डॉन एक तरह का फिनोमेना है, जब ब्रह्मांड बना था बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से 13 13 बिलियन साल पहले, ठीक है, तो जो पहला पहला सितारा बना था उसकी जो रोशनी, उसकी जो प्रकाश है उसी को कॉस्मिक डॉन कहते हैं। इसको ढूंढने के लिए कई सारे टेलीस्कोप वगैरह लगाए गए हैं, जैसे एक है एजेस, हाँ, इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट ग्लोबल अपोच ऑफ रियोनाइजेशन सिग्नेचर, ये टेलीस्कोप ऑस्ट्रेलिया में है। फिर है सरस, शेप्ड एंटीना मेजरमेंट ऑफ बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम, ये टेलीस्कोप है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का, ठीक है, ये दोनों ही रेडियो टेलीस्कोप थे। उसके बाद सोलर स्पिकलस, ये प्लाज्मा जेट्स हैं जो सूरज के ऊपरी सतह, सबसे ऊपरी जो सतह होती है जिसको क्रोमोस्फेयर कहते हैं, वहां से निकलती हैं और वापस उसके एटमोसफेयर में चली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नासा का प्रिजर्वेंस रोवर, ये मार्स के जजेरो क्रेटर पे लैंड किया था लास्ट ईयर, ठीक है, और ये अभी भी वही है, ये एक्चुअली वो पानी का सबूत ढूंढ रहा है, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए जिससे पता चले कि वहाँ पानी था या नहीं। उसके बाद बहिनी स्कीम, ये सिक्किम गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके थ्रू वो 100% फ्री और सेफ सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, ठीक है, 9 to 12, जो 9 to 12 उनकी क्लासेस हैं उन बच्चियों को, ताकि जो वहाँ ड्रॉपआउट्स होती हैं, ठीक है, कई बच्चियां जब मेंस्ट्रुअल एज पहुंचती हैं तो वो स्कूल जाना छोड़ देती हैं इसी डर से, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। उसके बाद सूरज कुंड इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर, ये फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है, इसकी थीम स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर और पार्टनर नेशन है उज्बेकिस्तान। फिर है INS करंज, ये इंडिया की तीसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के तहत, और ये अभी इंडियन नेवी में कमीशन हुई है, ठीक है, मतलब इनको शामिल किया गया है। उसके बाद हीरत फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, जैसे महाशिवरात्रि हम लोग मनाते हैं ये वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद इंडिया एनर्जी ऑफिस, ये खुला है मॉस्को में, ठीक है, भारत और रूस के बीच में,
एनर्जी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए। उसके बाद पहली मीटिंग ब्रिक्स के कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, ठीक है, इस ग्रुप की पहली मीटिंग हुई है जिसको भारत ने चेयर किया है, ठीक है। उसके बाद मिथाली राज पहली महिला इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी हैं जिन्होंने सब में मिला के 10,000 रन बनाए हैं, ठीक है, और पूरे विश्व में ऐसे करने वाली ये दूसरी महिला हैं। पहली थी चार्लोट एडवर्ड इंग्लैंड की, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। सुनने के लिए धन्यवाद।